हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सुरेश। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे म्यूजिक टोन का डीजे 1200 एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों ये परफॉर्मेंस में कैसा होने वाला है टेस्टिंग देखेंगे हम। लोड जो है वो कोशिश करेंगे जितना ये आउटपुट देता है उससे हम डबल इस पर लोड डाल के चेक करें। इंटरनल पार्ट की क्वालिटी में हम कैसे जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर गए हैं, क्या क्वालिटी है इसके अंदर, रिपेयरेबल है नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चन है आप सभी के, वो क्लियर कर दूंगा मैं। ओवरऑल अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम कर लेते हैं एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग, क्या क्या डिटेल्स हैं बॉक्स पैकिंग पे वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे म्यूजिक टोन की ब्रांडिंग है डीजे 1200 जो है वो मेंशन यहाँ पे करा गया है। एक मॉडल यहाँ पे एमटी 1200 भी आता है, लेकिन ये लेटेस्ट है दोस्तों जो कि है डीजे 1200। साइड में भी वही डिटेल्स हैं, सब जगह वही डिटेल्स हैं। चलिए मैं फटाफट से इसको पहले ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। ओपन करते ही सर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो है वो इसकी प्रोडक्शन के लिए दिया गया है ताकि पैकिंग में कुछ होना हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपको एक जो है वो डायरी मिलती है, प्लस यहाँ पे एक ये आपको इसके स्पेशल शीट जो है वो इसके अंदर मिलती है बाकी मॉडल्स के साथ में, प्लस इसमें दो फ्यूज और एक की जो है वो होल्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम साइड में रखते हैं, बाकी हमारा मेन यूनिट हो जाता है वो है ये एम्पलीफायर। चलिए मैं इसको अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं लुक की बात करूँगा तो यहाँ पे लुक जो है वो वाकई एम्पलीफायर से अलग है। रीज़न ये है कि कंपनी ने बोला ये जो कटिंग्स करी गई हैं ये CNC पे करी गई हैं, तो इसके जो कि लुक है, इसकी फिनिशिंग है, उसको और इनहेंस कर रही है। और यही अगर मैं बात करता हूँ म्यूजिक टोन की, अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है डीजे 1200। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एमटी 1200 भी आता है, ये डीजे 1200 वाला मॉडल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास ये स्विच हो जाता है जिसमें आप हॉर्न और स्पीकर का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप हॉर्न चलाना चाहें तो आप इसको बाहर कर दीजिए, आप स्पीकर चलाना चाहते हैं तो इसको आप अंदर कर दीजिए, सिंपल है। यहाँ पे आपके पास बेस, मिड एंड ट्रिबल के जो है वो ये तीनों नोब्स हो जाते हैं। एक मास्टर यानी हमारा वॉल्यूम का नोब जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। आउटपुट लेवल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एम्प प्रोटेक्ट एंड एम्प ऑन का जो है वो इंडिकेटर हो जाता है, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। ये वेंटिलेशन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और ये हैंडल्स इसके अंदर दिए गए हैं, रिमूवेबल हैं, आप इसको फ्लैट केस के अंदर भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसके फ्रंट को डिज़ाइन करा गया है। ओवरऑल ये है इसका फ्रंट का लुक। चलिए अभी बैक साइड भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं एम्पलीफायर के बैक साइड पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके पास एक ये AC फ्यूज़ हो जाता है, उसके नीचे अगर आपको देखने को मिलता है ये पावर कॉर्ड हो जाती है। पावर कॉर्ड अगेन यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो बनाई गई है ताकि आपको इंडियन सॉकेट में लगाने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका रीसेट का स्विच। यहाँ पे ये अर्थिंग के लिए आपको जो है वो एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन यानी हमारे एयर फैन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पास ये इनपुट और आउटपुट सेक्शन हो जाता है जिसमें आपको TES का यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसमें ये एक बीच में स्विच है, ये आप सभी को मालूम है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मिक्सर से चला रहे हैं तो यहाँ पे आपने नीचे रखना है, 1 वोल्ट पर रखना है। अगर आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से चला रहे हैं यानी मिक्सर कोई भी कनेक्ट आपने नहीं करा, आपने डायरेक्ट फ़ोन से चलाना है तो इसको 200 mV पर रखना है। बाकी यहाँ पर आपके पास कॉमन 2 और 4 के ये ऑप्शन हो जाते हैं। 2 ओम्स यानी 4 स्पीकर अगर पहले भी कनेक्ट करेंगे तब चलाएंगे, अगर 4 ओम पे चला रहे हैं तो पहले भी अगर आप 2 स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो आप चला सकते हैं। नीचे ये आपके हॉर्न यूनिट हो जाते हैं, LMT हॉर्न यूनिट्स के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। कॉमन 70 और 100 वोल्ट दोनों आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका पूरा बैक लुक हो जाता है। मेड इंडिया अगेन यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है, मेड इंडिया प्रोडक्ट है ये दोस्तों। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और कोशिश ये रहती है हर वीडियो में आपको हर चीज़ खोल के बाकायदा हर एक डिटेल आपको मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इनपुट ट्रांसफॉर्मर, ये है आउटपुट ट्रांसफॉर्मर। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में लगा है इसका मॉड्यूल, बेसिकली ये मोनो एम्पलीफायर है तो एक मॉडल देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं इनके ट्रांजिस्टर की काउंटिंग की भी बात करूं तो साइड से आप जो है वो ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 8। यहाँ पे ये आपके 16 ट्रांजिस्टर वाला एक एम्पलीफायर ये बन जाता है। यहीं पे अगर आप देख सकते हैं तो ये पावर सप्लाई के कैपेसिटर यहाँ उल्टे करके लगाए गए हैं, ये उसका ऊपर का PCB हो जाता है। ये आप देख सकते हैं ये रिले हो जाती है, ये ऑडियो कार्ड यहाँ पे सारा फ्रंट का कार्ड हो जाता है। पूरी डिटेल बाई डिटेल्स
और क्लोथिंग वाली टेप जो है वो दे रखी है ताकि कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड ये देखिए, ये है इनपुट सेक्शन जो कि मैंने आपको स्विच यहाँ पे बताया था, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये इससे पैच रहता है, तो आप अपने हिसाब से जो वो जैसे मैंने आपको बताया 1 वोल्ट 2 वोल्ट तो ये कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स इस पर मेंशन करेंगे, जैसे सकते हैं ये डीजे 1200 और वायरिंग जो है वो ग्राउंड है, 4 ओम 2 ओम एंड 1700 वोल्ट, ये पूरे कनेक्शन जो है वो इस पर पूरे मेंशन रहते हैं। तो अगर कनेक्शन टूट भी जाते हैं तो आपके पास ये पूरा स्टिकर रहता है। अगेन इस पर म्यूजिक टोन की भी इस पर ब्रांडिंग रहती है, ठीक है ना। ये है पूरी डिटेल दोस्तों, इंटेल पार्ट की क्वालिटी, ये इसके रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो सारे पार्ट देख सकते हैं, ये पूरे रिपेयरेबल है, बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो कोई भी पार्ट आपको बाहर ईजिली मिल जाएगा। ओवरऑल ये है दोस्तों एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। चलिए हम देख लेते हैं बाकी डिटेल्स कैसी रहती हैं और बाकी जानकारी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लेके अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस और भी जानकारी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले फ्रंट पैनल की। तो दोस्तों ये जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अगेन एम्पलीफायर यानी कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो फिनिश्ड पे ध्यान दे रही है। मैं काफ़ी टाइम से जो वो म्यूजिक टोन के जो है वो एम्पलीफायर्स को यहाँ पे देख रहा हूँ, परख रहा हूँ या फिर टेस्ट करता हूँ, चलाता भी हूँ, तो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे कि पैकिंग में आपने देखा कि पैकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो पहले से हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे फ्रंट आप देख सकते हैं CNC कटिंग जो है वो इसमें दी रखी है, आप फ्लैट केस में इसको ईजिली फिट कर सकते हैं, इस हिसाब का इसका पूरा साइज बना रखा है। इंटरनल पार्ट में आते हैं तो इंटरनल पार्ट में जो क्वालिटी यानी मटेरियल जो यूज़ करा गया है वो अगेन आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, या फिर अगर आम से आम मैकेनिक के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे ये एम्पलीफायर इजीली रिपेयरेबल हो जाएगा। बाकी इसके अंदर प्रोडक्शन जैसे है कि प्रोडक्शंस भी आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगेन मेरे साथ भी एक जो है वो यहाँ पे इस एम्पलीफायर को लेकर दुर्घटना हो गई थी, इसका जो कि यहाँ पे कॉमन वाला वायर था वो जैक पिन में जाकर टकरा गया था, तो वहाँ पे शॉर्ट हुआ था, एम्पलीफायर जो है वो बंद हो गया था, यानी प्रोडक्शन जो था वो ऑन हो गया था, उस वजह से इस एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट नहीं आया था, तो एक ये मेरे को प्लस पॉइंट यहाँ पे लगा। ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस से ही मालूम चलते हैं एक्चुअल में एम्पलीफायर वर्क कैसे कर रहा है। बात करते हैं लोड की या आउटपुट की, तो इसका जो कि मैक्स आउटपुट है 1200, यानी आपको मॉडल नंबर मेंशन करेगा मैक्स, ये 1200-1300 वाट जो है वो दोम्स पे इजीली आपको निकाल के दे देगा। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे ये भी मेंशन करा हुआ कि अगर आप यहाँ पे लोड डालना चाहते हैं इस पे तो 800 वाट के जो आपके 400 प्लस 400 वाट के जो टॉप होते हैं वो आप यहाँ पे दो टॉप इस पे इजीली रन कर सकते हैं 2 ओम्स पे। एम्पलीफायर भी यहाँ पे दोम्स के लिए स्टेबल बनाया गया है, स्पीकर्स भी आपके खराब नहीं होंगे। बाकी रहती है बात मिक्सर का, एक जैसे कि मैंने बताया कि मिक्सर का आपका खर्चा बच रहा है यहाँ पे, तो मिक्सर आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट पिन डालनी है 200 मिली वोल्ट पे करना है स्विच को, और यहाँ पे डायरेक्ट आप फोन या लैपटॉप से जो है वो गाना प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी फीचर्स के साथ में आता है ये एम्पलीफायर। और कूलिंग की जैसे है, कूलिंग फैन इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, लेकिन फैन पूरा अपनी स्पीड पे चलता है, तो कूलिंग की कोई भी आपको यहाँ पे इशू नहीं आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग की बात करते हैं, तो चलिए अभी हम टेस्टिंग देख लेते हैं, कैसा लोड में डालने वाला हूँ और कैसे हम टेस्ट करने वाले हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारे इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे लोड प्लस यहाँ पे जो कि हम टेस्ट करते हैं वो अलग तरीके से, एम्पलीफायर खुला हुआ है बेसिकली, मुझे यहाँ पे संतुष्टि के लिए हर एक पार्ट को चेक करना पड़ता है कि हाँ इसके अंदर किस प्रकार के जो पार्ट यूज़ करे गए हैं, क्या इनके वैल्यू है, क्या वो जो आपको आउटपुट इस पे बताया गया है वो आउटपुट ठीक है या नहीं है। अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, जो पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी पड़ती हैं। खैर अभी तो आउटपुट यानी जो इंटरनल है इसका वो आप देख चुके होंगे या फिर वीडियो जब मैं बनाऊंगा। बाकी अभी ये टेस्टिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम टेस्ट करने वाले हैं इस पे। पीछे से मैंने यहाँ पे भी लोड जो डाला हुआ है इसको हम चेंज कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी हम इस पे 2 ओम्स का लोड डाल के चेक करेंगे। और मैं इस पे बेसिकली टॉप जो है वो पावर ज़्यादा ही डाल रहा हूँ, कोशिश यही रहती है कि एक्चुअल में पावर जो है वो ज़्यादा डाल के चेक करी जाए, ताकि एम्पलीफायर का पूरा निचोड़ जो है वो एक ही बारे में आपको समझ में आए कि हाँ ये पूरी पावर देने पे कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सिंपल है, ठीक है ना, ये कॉमन हमारा ब्लैक वाला वायर हो गया, ये 2 ओम्स पे हो गया, एंड देन दी ये जो है वो इनपुट जो वोल्ट है ये आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से अभी प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सीधे 1 वोल्ट पे चलाऊंगा, कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ पे प्लेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो 200 मिली वोल्ट पे आप कर दीजिए, डायरेक्ट आप फोन से बजा सकते हैं सिंपल। पीछे से और कोई कनेक्शन या फिर और कोई सेटिंग्स नहीं है, ना ही छेड़नी है हमें। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे प्लेयर से चला रहा हूँ तो इसके जो सामने वाले ये नोब्स हैं ये बेसिकली काम नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ पे बिना मिक्सर के चलाना चाहते हैं तो 200 मिली वोल्ट पे कर देंगे, तो ये जितने भी आपके सामने के पैनल्स वाले ये नोब्स हैं, मिड एंड बेस, ये सारे काम जरूर करेंगे। बाकी इसमें आप हॉर्न और यहाँ पे स्पीकर दोनों चला सकते हैं,
तो इस हिसाब से इसको बनाया है। ये वॉल्यूम हो जाता है मेन एम्प ऑन एंड प्रोटेक्ट का, यहाँ पे इंडिकेटर हो जाता है। चलिए मैं एम्पलीफायर को जो है वो ऑन कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा और ये रिले जब होती है ये ऑन हो जाती है, देन आगे आपको यहाँ पे ये जो है वो एम्प ऑन का जो है वो इंडिकेटर शो करेगा। तो ये है कुछ इस प्रकार से। चलिए अभी जो कि इसकी आगे की टेस्टिंग है और लोड मैं आपको खैर बता देता हूँ। ये दो टॉप हमने डाले हुए हैं, ये है 12-1200 वाट के, उधर भी जो है वो लगे हुए हैं। ये 12-1200 वाट के दो टॉप हमने डाले हुए हैं। पीछे से आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि एक वायर है, बट यहाँ पे कनेक्शन हमने ये देख सकते हैं, ये दो स्पीकॉन जो है वो ये लगा रखी है, ठीक है ना। ये मेरा जुगाड़ है बेसिकली, मैं स्पीकॉन फिर खोलता हूँ और फिर वायर लगाता हूँ, फिर दोबारा स्पीकॉन घसता हूँ। इससे अच्छा मैंने सोचा कि हम इसको ही बना लेते हैं। खैर आप बिना स्पीकॉन के यूज़ करिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। चलिए अभी मैं इसमें से सॉन्ग प्ले करता हूँ। कैसे लेके आपको टेस्टिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लोड बताया कि मैं इस पे 1200+1200 का जो है वो लोड डाल के अभी आपको टेस्ट कराया थी, इसके डबल लोड मैंने आपको डाल के टेस्ट कराया। यहाँ पे मुझे आउटपुट में कमी नहीं देखने को मिली, अगेन मुझे लाल पीवी जाने की जरूरत नहीं मिली। कोन जैसे कि आपने देखा पूरा स्पीकर का कोन यहाँ पे, उसी से मालूम चल रहा है कि यहाँ स्पीकर कितनी अपनी पावर पे चल रहा है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसकी, आपको यानी आपको मैं रिकमेंडेशन किस पे देता हूँ यूज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 800 वाट के दो टॉप आप इस पे चलाने हैं डोम्स पे, एम्पलीफायर को भी कुछ नहीं होगा, स्पीकर को भी कुछ नहीं होगा, स्टेबल रहेगा क्योंकि डोम्स के लिए एम्पलीफायर इजीली काम करता है। बात करते हैं प्राइसिंग कहाँ से अवेलेबल होगा, तो मैं नीचे आपको प्राइस लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, फोन नंबर भी आपको दे दूंगा। ये एम्पलीफायर जो है वो आप डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट डीलर से ले लीजिए, या फिर अगर आपको मेरे पास से भी परचेस करना है कोरियर के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको भेजना है, तो वो भी जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मालूमात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।